देश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में श्रम अधिकारी की नियुक्ति इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। पिछले दिनों पूर्व श्रम अधिकारी अरविंद सक्सेना की सेना निवृत्ति के बाद से ही यहां कोई भी श्रम अधिकारी नहीं है। सत्ता में एक दिन यहां उपायुक्त मेघना भट्ट द्वारा कार्यक्रम का कार्यभार देखा जाता है, लेकिन केवल एक दिन में यहां स्थित लगभग 2000 कंपनियों ने कार्य करने वाले कर्मचारियों की समस्या को समाधान कैसे किया जाए। वहीं अभी पिछले दिनों क्षेत्र की दो बड़ी कंपनियों द्वारा करीब 350 से ज़्यादा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके लिए श्रमिक न्याय की गुहार लगाने श्रम कार्यालय पहुंचे, पर श्रम अधिकारी की उपस्थित न होने के चलते उन्हें न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। पीथमपुर से संजय सुनगरा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।